उसको करना ही बिजनेस के स्टाइल में पड़ेगा तो ही पैसा बचेगा, वरना खेती करने के स्टाइल में करेंगे ना कुछ पैसा बचेगा नहीं, गड़बड़ाएगा। पैसा केवल बिजनेस माइंड से करेंगे तो ही आएगा, नहीं तो दिक्कत आनी। बट दैट टू बिजनेस विद एथिक्स, थोड़ा बहुत तो हमको भी ख्याल रखना पड़ेगा एनवायरमेंटल को। देख रहे हैं ना, जितना भी आप जो भी सॉफ्टवेयर है तो इनपुट देते हो तो आउटपुट उतना निकलता है। यस यस यस, इफ यू पुट गुड इनपुट यू गेट अ गुड रिजल्ट आउटपुट। वैसे ही है सही। एक खाली ग्लास ले लो बेटा, हां ये लेके जा। आज सार्थक की ड्यूटी है, ये बन जाए हमारा। ओके ओके, छोटा किसान है, छोटा किसान सिस्टर का लड़का है। टेक्निक और फील्ड में भी तो कोई दिक्कत नहीं रही है, गणेश जी आते रहते हैं वहाँ पे। महाराष्ट्र में अगर जैसे यहाँ सोम भाई का प्लॉट है, महाराष्ट्र में हमारे दो तीन डिस्ट्रिक्ट में जो भी फोन आते हैं गणेश जी को आपके प्लॉट के कुछ अलग अलग वीडियो भेजो ना, तो वहाँ के किसानों को पता चलेगा कि ये क्षेत्र में ये फार्मर के यहाँ हम डायरेक्ट जाके देख लें। प्रबनी के नाम से आप भेजेंगे ना तो वो एक लाइन बनेगी कि हम इस क्षेत्र में खुद ही जाकर देख लें। बेंचमार्क बनता है तो अच्छा रहता है वो। अभी कुछ व्यापारी भी जो हमारे यहाँ के जो व्यापारी किसानों को इस तरह से लगाओ लगाओ 70-30 पे जाओ, व्यापारी खुद बोल रहे हैं ना। उनको इस साल पहली बार दिखना दिखा ये प्लॉट आए, फर्स्ट टाइम आया। पिछले साल फरवरी में लगाया था, 15-20 दिन में कटिंग आ जाएगी। अच्छा, 10 महीने में आ जाएगी, 10 महीने में फरवरी में लगाया था। इस साल पूरा सिगाटो का हो गया तो 5x5 में पूरे प्लॉट सभी प्लॉट खत्म, आप ही का बचा होगा। हमारे जो 3-5 किसान है, मैंने 5 किसान को लेके एक साथ लगाया था। एक्चुअली आज का जो मीटिंग था ना ये इसी विषय में था। अब ये तो क्या है, ये मेरा घर गांव बेल्ट है तो वो एक रहता है कि वो हमारे निमाड़ी में कहा घर का जो भी जोगड़ा है सर उसकी कोई सुनता नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर दिखाने लगे। भैया बोल रहे उस हिसाब से बीच में हमें लगा था चालू करने की कुछ शेयर करे, फिर ऐसा रॉन्ग मैसेज नहीं देना कि वो भी किसान भी ये प्लान किया है ऐसा। मैंने आप लोगों को लास्ट में ढूंढा था, फिर आप कुछ गांव वाले लोग थे प्रॉपर के वो पूछ रहे थे बाहर बाहर चल रहा। जब हमें मैसेज मिला तब अंदर आए तो एक्चुअली अभी क्या हो रहा है वर्तमान में पूरे नर्मदा बेल्ट में बड़वानी में 3-4 रुपए के बीच में केला कट रहा है। अभी हम रास्ते में आया तो 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो कट रहा है समझे। और पूछा हमने हाँ, और अपनी जो गाड़ियां हैं बीके बनाना की या जहाँ रेवा लगा है 70-30 सालों के 6-7 रुपए में केला कट रहा है। हमारे किसानों को अब सबको चोट हो रही है कि हमने बलराम को सुना नहीं समझा नहीं, अब माल तो बलराम ही काट रहा है और जो काटे पे पेमेंट देना है वो हम ही दे रहे हैं। तो अब वो बातें सब किसानों को लग रही है कि अब बैठना पड़ेगा साथ में, अब सुनना पड़ेगा। और मेरे लिए नहीं चाहिए यार, आप व्यापारी को चाहिए क्या, वो तो करना पड़ेगा ना आपको। बाहर वही बात कर रहे थे हम कि ये पहली मुलाकात है उनसे हमारी भी खाली गणेश जी के फोन से होती है और एक विजिट हुई उनकी, उनके यूट्यूब के टेक्निक से हमने इतना अच्छा ये किया। बीच में इनके अपने सागर जी भी टीम आती गई, उन्होंने टेस्ट दिया कि ये एक्सपोर्ट पर चलता है, हमें थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगी। फेसबुक से जो अपने बीकी साहब ने हमारा इधर बोलो नेग्रो के प्रतिनिधि है जालना के पास उधर के काम कर रहे आड़े बोल के, तो मैंने फेसबुक पे ऐसे फोटो वगैरह डाले, फेसबुक पे वो नंबर लिया मेरा, उन्होंने देखा होगा
वो आए उन्होंने अच्छे व्यापारियों को माल चाहिए कहीं पे भी हो आपके पास अच्छा माल होना चाहिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज चाहिए अभी क्वांटिटी के लिए हमने बहुत प्रयास किया ये माल जुड़ना पड़ेगा कनेक्टिविटी चाहिए इकट्ठे होंगे तभी आपको पड़ेगा में एक प्लानिंग हो रही है लगाने की आ जाने का ये भी ताकि अगर मिनिमम कितनी क्वांटिटी पे जाना पड़ेगा अगर एक आध गाड़ी या कुछ भरना है तो उसका कैसा प्लानिंग करना पड़ेगा डीके बनाने से कटवाना है तो कैसा करना पड़ेगा क्वांटिटी कितना चाहिए आपको अगले साल हो या दो साल में हो हाँ। नहीं आपने तो एफपीओ भी बनाया ना हाँ, फिर बाय तो आपको बीके बनाने की आवश्यकता नहीं है आपके एफपीओ से आप खुद ही कटिंग करोगे जो उत्तर भारत के व्यापारी हैं जो डोमेस्टिक है जो एक्सपोर्टर है डायरेक्ट आपकी मैं कनेक्टिविटी कराऊंगा आप केवल प्लांट लगाइए उसका टेक केयर कीजिए साइज मेंटेन कीजिए 70-30 फॉलो कीजिए बाकी बिक्री जो व्यापारी है उनसे डायरेक्ट कनेक्टिंग करूंगा आप खुद ही मालूम यहाँ से हम जाएंगे और फिर माल उठाएंगे वो भी कुछ परवड़ने वाली बात नहीं है ना आप खुद ही ट्रांसप्लांट रह करके कीजिए अभी ये प्लांटेशन हुआ है हमारा वो जो आपको पता है ना राजी सिंह का लगाया हुआ ये 12,500 का है मेरे गांव में लगाया है पूरा मेरा पहला प्लॉट था उसको देख के सब खुश है कुछ तो उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है स्प्रेशर भी अच्छे से चल रहा है ये ब्लीचिंग पाउडर और एडिचिंग वो सब किया है अभी लगा 8-10 दिन हो गए 8-10 दिन के पहले लगाए नहीं सॉरी 18 दिन हो गए 18 नवम्बर को लगा था 10-12 दिन हो गए तो दूसरा अभी दूसरा पत्ता जो आ रहा है ठंडी में भी बहुत अच्छा चल रहा है फॉलो करेंगे तो आएगा हाँ, सिर्फ इरिनियर रॉड का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था बीच में बाहर देना पड़ेगा उसको इरिनियर रॉड के उसकी किसानों से अभी तक जो इंडिया में जो चल रहा है हम भी ढूंढ रहे थे 70-30 के दिया बी किसान का जो भी शेड्यूल चल रहा है उससे बेटर ऑप्शन अभी तक तो नहीं है तो आप वो ढूंढना बंद करो अभी तुम्हारे लिए ये तो फॉलो करो वो पिछले से तो 100 बेटर है ये तो शुरुआत करो ये डाउट छोड़ दो कि ये होगा नहीं होगा अच्छा है जाए नहीं जाए ये टाइम नहीं रहा अभी दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है और ऐसा नहीं है कि बिग किसान का ये टेक्निक ये क्या 2 साल में ये बहुत सालों की मेहनत है नहीं ये हम तो 2006 से लगे हैं कितने दिन सोचेंगे और नहीं अभी तो आप क्या करेंगे जिनको सोचना है वो सोचेंगे उसका अपने पास कोई इलाज नहीं आखिर में ऐसे उबाल निकलती है अभी आपने देखा ना कितने किधर तो अभी घुस रहे थे निकल रहे थे उबाल निकलती है और डायरेक्ट तो कर नहीं सकते ना कि हमने नहीं किया है जिसका 5 रुपए में 4 रुपए में बिक रहा है वो 5x5 ही लगा रहा है 5x6 ही लगा रहा है तो वही बिकेगा ना फिर करेंगे एक बार हाथ जलने के बाद फिर से क्यों जलाते समझ नहीं आता नहीं वो उसका भी रीजन है दे नो दैट कि 5x5 सही नहीं है और नहीं बिक रहा है फिर से जो प्लानिंग करते हैं समझ हाँ जब नहीं करना चाहिए ना तो क्या कर रहे हैं किसानों को मालूम ही नहीं है 5x5 गलत है अभी जब से बी किसान मतलब काम कर रहे हैं एक्चुअली जो एग्रोनॉमिस्ट है हिंदुस्तान में अगर बात करें हम साइजेबल एग्रोनॉमिस्ट जिनका नाम चलता है केबी पाटिल साहब है फिर राइजेन शाइन है वहाँ के एग्रोनॉमिस्ट है तो ये कंपनियां ऐसी है जैन इरिगेशन राइजेन शाइन ये कंपनियां ऐसी है कि सबसे शुरुआती दौर में आई और इन्होंने जो बेंचमार्क स्थापित किया जो किसानों में गाइडलाइन दी शुरुआत में सब जमीनें अच्छी थी मतलब फंगल नहीं था तो 5x5 पे चल रहा था मौसम ठीक था और पौधे भी बेचना थे टिश्यू कल्चर मैंने लगाया तो मेरे को पौधे बेचना है ना तो ये सारी चीजें थी अब क्लाइमेट चेंज हो गया है बारिश आती अगस्त में आना चाहिए थी 15 जून को फर्क कितना है ठंडी अभी ये दिसंबर है हम बनियान में बैठे ना और पंखा चल रहा है विडंबना देखो ठंडी है दिसंबर की 5 तारीख में पंखा चल रहा है अभी तो स्वेटर और मफलर चाहिए था तो क्लाइमेट चेंज कितना हुआ है उस हिसाब से सारी रेसिपियां चेंज चाहिए आप बुरहानपुर चले जाओ जलगांव जिले में कहीं पर भी चले जाओ रेसिपी सारी पाटिल साहब की है 5x5 5x6 लेकिन पेड़ पर पत्ते नहीं है सिगाटों का बहुत है तो अब वो उन्होंने ही बोल बोल करके ये सब करवाया है अब उन एग्रोनॉमिस्ट को भी ऐसा लगता है कि हम रिवर्स हमारी जबान कैसे लें उन किसानों को भी लगता है कि हम इतने साल से खेती कर रहे हैं हम दूसरा ट्रैक कैसे पकड़े नीचे ग्राउंड पर जो मार्केटिंग की टीम है जो डीलर है अभी बलराम बोलता है 1,000 पौधे लगाना है एक एकड़ पे इधर अदर कंपनी का डीलर 1,750 लगवाता है
एक पौधे पर 50 पैसे का 1 रुपए का मार्जिन है अलग अलग जगह पर, तो डबल मार्जिन हुआ ना, किसान को गाइडलाइन क्या जाएगी, ज्यादा माल ज्यादा पैसा ऐसा, यही गाइडलाइन जाएगी। तो किसान ग्राउंड पे है, उसको जहां से खाद लेना हो उसने ही पौधे बेचना है, उसने गाइडलाइन दी ज्यादा पौधे की, वहां एग्रोनॉमिस्ट आकर बैठा, उसको टारगेट है इस क्षेत्र में 5 लाख पौधे बेचना है, उसने ज्यादा पौधे की गाइडलाइन दी, ये कुचक्र चल रहा है। इसको किसान को दृष्टि चेंज करके देखना पड़ेगा। किसान को चाहिए अपना चश्मा उतारे, केले को जो चाहिए वो देखना चालू करे, हमको जो चाहिए व्यापारी माल कैसा चाहिए। अभी आपके मुंह से सुन रहे हैं ना कि व्यापारी खुद बोलता है कि 5x7 चाहिए, तो ये चीजें जो रियलिटी है वो बतलाना चालू करेंगे तो दिखेगा। आज का जो क्राउड था 550 लोगों का, ये थका है तो रुका है। अब इसमें से 5% लोग निकलेंगे ना, तो अगले साल 10% होंगे, तीसरे साल 40% होंगे, ऐसा बढ़ेगा फिर धीरे धीरे। हमको कोई जल्दी नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ पर 3 महीने पहले मीटिंग कर चुका हूँ, कोई किसान आया नहीं। किसान को ऐसा लगा ये बलराम इसके पौधे बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि तुम 1000 लगाओ, पौधे बेचने वाला 1700 लगवाएगा। मतलब बिना उसको प्रॉफिट दिखा रहा हो, फिर अभी हमने क्या किया, अब हमको कोई किसान चाहिए नहीं, हमारा पौधा लो मत, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। भाई मेरे को तो नर्मदा बेल पर व्यापारी लाना है कहीं से भी, अच्छे व्यापारी, तो हमने प्लान बी पे गए, बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। अब जो गरीब किसान है, जो कर्जदार है, उसके साथ जाएंगे, अमीर किसान अकड़ू किसान के साथ नहीं जाएंगे। आप करो अपने मन से 5x5 लगाओ, माल नहीं बिकेगा, जिसने 5x5 लगाया उसको बेचो, इधर मत आओ ना, फिर अभी हम ले नहीं पाएंगे। अभी कॉन्सेप्ट चेंज। इन किसानों के जितने बैठे थे ना, जिनके पास रेडी माल कटिंग है, सबके फोन आ चुके हैं सोहन भाई के पास, हमारा माल काटो। सोहन भाई ने क्या बोला, रेवा का पौधा है पहली बात, पौधा कौन सा है, दूसरा ग्राफ क्या है, भाई रेवा का है तो भी ग्राफ क्या है, क्या आपने गाइडलाइन फॉलो करी है, आपको 5x5 है तो जिसने 5x5 लगाया उसको माल बेचो। तो ये मेरे को बोल नहीं पाया डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली इनकी सबकी भड़ास निकल रही थी, एक बार हमारा माल काट दो, अभी कैसे कटिंग करेंगे यार, उनको एक्सेप्ट नहीं है ना उत्तर भारत में। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी मेरा जो खेत है वो चोपड़ा में आता है, आपको पता है, तो प्रॉब्लम ये होता है कि रतून क्रॉप जो होती है पिलवा, उसका भाव हमेशा जो अपनी नवती होती है उससे बहुत ज्यादा कम होता है। कम होता है, बराबर बात है, क्यों, 5x5 लगाओगे तो कमीज होगा और ऐसी मंदी में लेंगे नहीं। हाँ ये तो है, सिंगल बेड बनता है ना, जब 5x5 सिंगल बेड और चोपड़ा ट्रैक पे नाली में लगाने की प्रवृत्ति है, तो बराबर जमीन को रिपेयर किया आपने, नाली बनाया उसमें प्लांटेशन किया, तो बराबर जमीन में 6 इंच का नाली, फिर 6 इंच नीचे पौधा गया, अब आपने नाली बराबर करी तो पौधा कितने नीचे है, 6 और 6, और फिर मिट्टी लगाना है नहीं तो पैर गिर जाएगा, ऊपर से वो अभी पौधा कहाँ पर है, तो ये कीचड़ में रहेगा, फंगल में रहेगा, तो न्यूट्रिशन गेन नहीं कर पाएगा, अपटेक नहीं करेगा, अपटेक नहीं करेगा तो मेच्योरिटी नहीं आएगी, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब सिंगल बेड बनाते हैं, ड्रिप रखते हैं, तो एक पौधे का टखना मोटा होता है जब तक ड्रिप ऊपर रहती है, जब टखना मोटा होता है तो ड्रिप फिसल के आती नीचे। अभी जो फर्टाइल लैंड थी उसको खींचकर आपने कर दिया बेड में, और ड्रिप है नीचे, और उस ड्रिप पर हम पुश कर रहे हैं, पैर रख रहे हैं ना, एक 50 किलो का आदमी चल फिर कर रहा है, तो नमी वाली जगह टाइट हो रही है, एक तो पहले ही वो खींच ली गई ड्रिप नीचे, फिर वो टाइट हो रही, तो रटून में रूटी रूट घुसेगी किधर, हाँ। कड़क जगह कॉम्पैक्ट है, इसलिए आपको ड्रिप अंदर चाहिए, 10 फीट पे नाली चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म फ्लैट चाहिए, हाँ। तो जहां रटून की रूट घुस सके। 10वीं कटिंग भी एक्सपोर्ट होती है, लोकल का खरीदार तो छोड़ दो, 10वीं भी एक्सपोर्ट होती है, जब ऐसा कॉन्सेप्ट होगा। एक मिनट, नाम ले रहा हूं मैं तो, अगर वो कट हो जाएगा, नाम लो ना, उसमें क्या है, सच्चाई में बोलने में कुछ गड़बड़ नहीं है, गोपी के अलावा, हाँ ठीक है ना, जानते हैं हम तो, उनके पास गए थे तो उनको मैंने ऐसी बात कही थी कि भाई इस साल नहीं हो सके तो मैं अगले साल को, तो वो सीधे क्या बोले,
भाई रोटून एक्सपोर्ट होगी भी नहीं और रोटून को कोई घर से बाहर नहीं निकले हैं गोपी भाई, चोपड़ा से बाहर नहीं निकले हैं। आपके चोपड़ा की मैं बात बतलाता हूँ, चोपड़ा में महमूद बागवान जानते ना, ऐसे बाहर निकलेंगे चोपड़ा से सिरपुर तो टर्न में उनका सेट आएगा जहां पर हमने एक्सपोर्ट का वो बनाया है, वहां पर सेट लगाया है। और महमूद बागवान जी के यहाँ सबसे पहले चोपड़ा में 5x7 पर महमूद बागवान जी ने केली लगाई उनके घर के खेत पे, और वो आज भी कट रही है, चौथी कटिंग है उनके घर के खेत पे। आप हो क्या हो चोपड़ा जी में, महमूद बागवान जी काफी बाहर घूमे हैं, वो ईरान इराक दुबई सब कजाकिस्तान गए हैं, तो उनको पता है कि वहां माल कैसा चाहिए। उनके साथ मिल करके और वहां के 100 किसानों के साथ मिल करके हमने एफपीओ बनाया जलगांव खानदेश। ठीक है, वो बात दूसरी है कि किसान चल नहीं पाते हैं हर जगह, अगुवाई करने वाला चाहिए, एफपीओ बन गया लेकिन उसको खींचने वाला चाहिए, तो खींचने वाला नहीं है तो वो रुक गया। लेकिन जो महमूद बागवान खुद व्यापारी है उनके घर पर रेवा प्लस लगा है और 5x7 पे है, चौथी कटिंग आज भी चालू है और वो आदमी इंदौर दिल्ली चंडीगढ़ भेज रहे हैं आपके चोपड़ा में। दोनों तरह के मिलेंगे। देखो घर के बाहर निकलना पड़ेगा नॉलेज लेने के लिए, आप इतनी दूर से आए हो तो कुछ लेने के लिए आए हो, घर से बाहर निकले हो ना तो इतना डीजल पेट्रोल चलाया तो कुछ दो बातें लेके जाओगे, नहीं तो ये अनुभव लेके जाओगे कि बड़वानी नहीं जाना, आखिरी अनुभव क्या तो अगली बार किसी को समझा पाओगे, तो याद कुछ ना कुछ तो लिया ना डीजल पेट्रोल का, तो जानकारी के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। गोपी भाई नहीं निकले होंगे, ऐसा हो सकता है बड़े आदमी वो चोपड़ा के व्यापारियों के और जो सब चिल्लाते हमारे यहाँ व्यापारियों से बात की हमने, वो बोले हमारे यहाँ का तरीका क्या है कि 1 लाख का केला गया तो 10% कमीशन है, अच्छा 10,000 रुपए मिलता। अच्छा तो वो बोले समझो आपका केला 50,000 में हमने काटे हमको कमीशन कितना मिला 5,000, अगर आपका केला 1 लाख में जाता है तो हमको कमीशन ज्यादा मिलता है, पर आपको भाव कम मिलने से हमारा क्या फायदा। बराबर है ना, और हम क्या व्यापारी नहीं, हम एजेंट है सामने बेचते हैं, अगर आप हम ज्यादा से ज्यादा ये देखते हैं कि आपको भाव ज्यादा लगे, सही बात है ना, तो आपको भाव ज्यादा लगे तो हमारा कमीशन बढ़ेगा, सही बात है ना, तो ये छोड़ दो हम कि हम आपके भाव के अगेंस्ट है। व्यापारी 100% गलत है ऐसा नहीं है, नहीं है 100% गलत ऐसा नहीं है, मेरा केवल कहना ऐसा है कि व्यापारी को जो चाहिए वो माल बना के दे दो, तो आपको पैसा चाहिए तो मिलेगा, आप व्यापारी के टाइप का माल बनाओगे नहीं और पैसा चाहिए तो मिलेगा नहीं, तो दोनों हाथ से ही ताली बजेगी, एक सिंगल विंडो नहीं चलेगा। नहीं, किसान को अगर बोले व्यापारी को जो लगता है मार्केट को जो लगता है वो पकाएंगे तो उनको लगता है व्यापारी का आदमी है उसको कुछ तो कमीशन है, ऐसा हो रहा है हमारे एरिया में तो हो रहा है, सब दूर हो रहा है, पूरे इंडिया में घूमने सब दूर ऐसे हो रहा है, सब दूर ऐसे हो। अभी मैंने 1 महीने से लाइन खींची ना, अभी तक मेरे को सोच रहे थे घर की मुर्गी दाल बराबर, 1 महीने से मैंने लाइन खींची है, 7 रुपए का रेट, 6 रुपए का रेट, 6.5 का मेरे पास है, आपके पास टेक्निक क्या है अभी समझ में आ रहा है कि 2 रुपए 3 रुपए में सब ले रहे हैं, बलराम 7 रुपए में खरीदता है, टेक्निक होगी तो खरीदेंगे, अभी समझ में आ रहा है नहीं मुर्गी नहीं बिरयानी। ये तो आप खुद खरीद रहे हैं ये बात से, वो हमारे जो व्यापारी है इतने साल से काम करे उन्होंने जो पुराने उनके जो किसान है उनके फोन उठाना बंद कर दिया, उनके प्लॉट किसानों ने डायरेक्ट गिरा दी, दिक्कत आएगी ना क्या, वो व्यापारी हमारे पास आके जहाँ आपके एक बगीचे की गाड़ी गई 70-30 खेती का, उस व्यापारी पर रिपीट फोन आएगा ये प्लॉट हमको चाहिए, वो बोल रहे ये बढ़ाओ हमारी रोजी रोटी का प्रॉब्लम आ रहा है, लोग केले खत्म कर रहे हैं, केले की जगह तुम गन्ना लगाएंगे या तो माल नहीं कटेगा गाड़ी नहीं बनेगी, सही बात है, तो हम क्या करेंगे। पिछले 2 महीने में जब 800-900 हजार का रेट था तब तक मेरे पास बी किसान के थीम पे लगाने के लिए 30 एकड़ का बुकिंग आया। अच्छा, गांव के किसान कि इतना हम लगाएंगे, मैं 2 एकड़ लगाऊंगा, मैं 1 एकड़ लगाऊंगा, जैसे डाउन हो गया मार्केट 5 रुपए पे आया, 2 रुपए पे 1 रुपए पे कुछ किसानों ने गिरा दिए, बाद निकला ही नहीं मालूम था नहीं गए, तो अब उनमें से कट कट के 30 एकड़ में से 7-8 एकड़ किसान है अभी, बराबर डर रहे। अभी एक
छोड़ दे लिया। अभी जो आपका जो गाइडलाइन है पैसा लेंगे फॉलो करेंगे हम लोग एंड जो क्वांटिटी चाहिए आपको मतलब एकर्स के हिसाब से कितना एकड़ का आपका जो है कितना एकड़ का इतना एक क्वालिटी का इतना एकड़ का है तो हम लोग एक्सपोर्ट का मतलब चांसेस ज्यादा है या हम लोग आपका एड्रेस कौन सा है ये आप ताड़पत्री से 40 किलोमीटर होगा तो वहाँ तो एक्सपोर्ट चल ही रहा है ना ताड़पत्री का तो व्यापारी तो है ना वहाँ पे मैं बात नहीं किया उन्होंने अच्छा बात नहीं किया वो क्षेत्र में मुझे जहाँ तक ख्याल है ताड़पत्री में एक्सपोर्टर है और एक अगर आपको कुछ अलग एरिया है तो 40-50 एकड़ तक गए तो वहाँ पर जो हमसे जुड़े हुए एक्सपोर्टर है उनकी टीम हम आपसे डायरेक्ट अटैच करा देंगे नहीं तो वहाँ अगर माल नहीं काट पाऊंगा नहीं हम लोग वो तो मैं बेस में बनाऊंगा बाकी जो टेक्निकल सपोर्ट है आप मुझे प्रोवाइड बिल्कुल पूरा बेस आपको मैं चाहिए था आपका जो आप कहते हैं कि आप साउथ में भी आना चाहते हैं तो उसका सपोर्ट जो चाहिए तो बेस चाहिए तो मैं जो जिस क्षेत्र में मैं हूँ पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है और मिट्टी लाल मिट्टी है पूरा की मैं फोटो भी भेजा था तो ये मैं सपोर्ट करता हूँ अभी नई जगह पर हम फंड लगाएंगे नहीं नहीं ठीक है हम आपको गाइडलाइन दे देंगे पौधा दे देंगे मार्केट अवेलेबल करा देंगे बस बस वो काम पूरी लाइन लगाएंगे जितना मतलब आप चालीस चाहिए या कुछ मतलब ये रीजनेबल है ये इससे एक्चुअली एक्सपोर्टर को क्या चाहिए एक्सपोर्टर को एक तो लोकल लेबर माल भरता नहीं उनको चाहिए बंगाली लेबर वहां जाकर बैठेगी और माल भरेगा तो एक्सपोर्टर को क्या चाहिए एक महीने की कम से कम चाल चाहिए कि उन्होंने वहां टीम उतारी तो एक कंटेनर रोज का बन जाए तो एक एकड़ मतलब एक कंटेनर मोटी मोटी भाषा में तो एक 30-40 एकड़ की लाइन बनती है तो वो खुद ही आ जाएंगे वहां पर वो एक लेबरों की टीम वहां छोड़ देंगे और कंटेनर और बॉक्स और सब छोड़ देंगे तो एक महीने की चाल बन जाए 20 दिन की चाल बन जाए 40-50 एकड़ सीज़ का साइज़ वन इट इज यस 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 ये आने का संभावना है तो 40-50 किलोमीटर एरिया है जो उनका गांव अलग है मेरा गांव अलग है 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है अगर सुन लो हमारी 40,000 की प्लांटिंग है 40 एकड़ वाला प्लांटेशन है 20 एकड़ मेरे गांव में है मेरे गांव के आसपास है 20 एकड़ इनके गांव के आसपास है एक्सपोर्ट रहे उसको मतलब वो इतने एरिया में तो मतलब मैं आपको और क्लीन बात बताता हूँ मैं क्लीन एक बात बताता हूँ एक्सपोर्ट शब्द अच्छा है माल देना गंदा है एक्सपोर्टर को माल देना गंदा है इनके यहाँ पूरे आंध्रा में वहां का क्लाइमेट अलग है वहां की भूमि अलग है वहां की लेंथ जाती 14 इंच का केला जाता है हमारे यहाँ चोपड़ा में 12 इंच का बनाने में पसीने आते हैं आपके गोपी भाई जो है ना उनके गांव में मेरी मीटिंग हुई थी मैंने बोला ऊपर का केला 12 इंच का चाहिए मदर डेरी को तो वो बोले यार हमारे 9 इंच से ऊपर नहीं जाता तुम बना करके दोगे कैसा उनके शब्द थे मैं उनके भाई के वहां मुझे तो हम बात कर रहे हैं वहां की तो वहां एक्सपोर्ट पूरेगा महाराष्ट्र में दिमाग मत लड़ाओ महाराष्ट्र में अच्छा केला बनाओ और डोमेस्टिक को खिलाओ पैसा बहुत बनता है अभी एक्सपोर्ट कटेगा तो उसकी हल्की धारी रहेगी 13-13.5 आने कटेगा डोमेस्टिक कटेगा तो 14-14.5 आने कटेगा और जयपुर गया तो 15 आने कटेगा तो जो लास्ट के 8-10 दिन रहते ना वो वजन बढ़ाता है अभी एक्सपोर्ट कटा आपका 12 रुपए डोमेस्टिक कटा 10 रुपए लेकिन लास्ट में आपका 4 किलो वजन कम हुआ 30 किलो का बंच है ये 26 है और ये 30 है अभी रेशो जोड़ लो आप पैसा तो उतना ही बनता है तो हमें बातें करना है क्वालिटी मेंटेन करना है एक्सपोर्ट की मैं पूरे महाराष्ट्र के लिए बोल रहा हूँ एक्सपोर्ट करने दो आंध्रा को अपन पछड़े में पड़ो मत आंध्रा की क्लाइमेट अच्छा है वहां की मिट्टी रेतीली है वहां पर सिलिका है कैल्शियम है तो वो लेंथ बढ़ाता है हम कितना ही अच्छा करेंगे 2 कदम ही आगे रहेंगे क्योंकि नेचर का सपोर्ट है है ना तो हम बातें करेंगे एक्सपोर्ट की माल देंगे डोमेस्टिक सिंपल लाइन अभी लेन देखो ये रेड सॉइल है इसमें पोटास भर भर के अपने पास कहाँ है यही वो दिक्कत है आपकी चोपड़ा में तो हेवी ब्लैक सॉइल है ना हेवी ब्लैक सॉइल पानी की फंगस पकड़ती है इसमें दिक्कत नहीं डाल चुका हूँ रोटावेटर से पूरा इसमें ला चुका हूँ ग्रीन मेन्यू
तैयार करके रखा होगी जो भी है ब्लैक सॉइल का। ब्लैक सॉइल में इनका दोनों की ये इनका समझ है कि उसमें केली नहीं आ सकती 1000% आएगी। ये नेचुरल सपोर्ट है, ब्लैक सॉइल का सपोर्ट हमें बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। सोहन भाई के यहाँ 7 फीट ब्लैक है, मेरे खेती जैसा मेरा 7 फीट ब्लैक है। यहाँ पर हमारे जो किसान थे ना जो बैठे हुए थे, इसमें 40% किसान ब्लैक सॉइल वाले थे, सब क्या केला होगा10 फीट पे नाली किया और ये बेड किया। उसके बाद एक साल बीतने के बाद कचरा मल्चिंग रखो, कुछ कल्टीवेशन मत करो, एक साल बीतने के बाद 20 घंटा 24 घंटा कंटिन्यू उसको एरिगेटेड करो, पानी बहके नहीं जाएगा, पूरा का पूरा पोरस हो जाएगा। वो 70-30 से पूरा मतलब फॉलो किया है, जितना बन सकता है उतना फॉलो किया है। तो वो जो उसमें ड्रिप मैंने अंदर डाला है पेड़ी में अभी, तो रटन तो बहुत अच्छा है, बंज भी अच्छे है, लेकिन वो जो जमीन है मैं जब से देख रहा हूँ, मेरे घर के पीछे ही हो, बचपन से देख रहा हूँ, कभी उसमें मतलब ये दरारे नहीं आती थी, तो पहली बार उसमें दरारे आई है, मतलब अच्छी बात है। ब्लैक सॉइल में पानी पकड़ने की क्षमता है, ज्यादा पानी पकड़ के रखेगी तो फंगल आएगा, ये थोड़ी हल्की भुरभुरी, और ये 10 फीट पे आपने क्रेकिंग ले आया ना, तो ये एरिएशन होना चालू हो गया, हवा अंदर बाहर जाना चालू हो गया, तो फंगल वायरल डिजीज से आप बचोगे, इसीलिए सिगाटोका नहीं आता है, वायरल नहीं आते हैं, इन्फेक्शन नहीं होता है। तो जहां पानी चाहिए वहां पानी, जहां हवा चाहिए वहां से हवा। लोगों का पीला होना शुरू हो गया, मेरा हरा है अभी तक भी, हरा ही रहेगा। और रटून के लिए तो एक खाद का दाना भी डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, बंस तो इतना प्रीमियम है, कंद है होके भी इतना प्रीमियम बंच है, उसका हाइट जो है ऐसा हाथ करना पड़ता है तब उसका नीचे वाला बंच मैनेजमेंट कर सकते हैं, अभी उसको मतलब उसको चेयर यूज करना पड़ रहा है तब जाके बंच मैनेजमेंट कर सक रहे हैं। तीसरी आप जब लोगे ना तो आपको लगेगा कि 5x7 छोटा ग्राफ है। अच्छा लग रहा है अभी लग रहा है, दूसरी भी लग रहा है, अभी यही पर आपका 5x5 होता तो आप वाली बात रहती, पहले से छोटा आता, 5x7 है तो पहले से बड़ा है, क्योंकि पत्तों को फैलने की जगह मिली है, पत्तों को फैलने की जगह मिली है, तो उसका बंच ज्यादा लंबा आएगा, केले की संख्या आएगी, डंडे में मोटाई आएगी, आपका वेट 20% ज्यादा आएगा फर्स्ट से सेकंड में। अभी वो गलंगी एरिया है ना, गनपुर गलंगी वगैरह आप गए हो? वहाँ पे सब बाग उन्होंने निकाल दिए, क्योंकि वो मैंने एक यारा का कोई बंदा था तो उससे पूछा तो भाई कि आप रोटून रखो ही मत, क्यों भाई आता ही नहीं है, तो वहाँ के किसान हाईटेक किसान है ना वो, हाँ अभी उसका अपन कहीं कर नहीं पाएंगे, हाँ अच्छा है ना, पौधा ज्यादा बिकेगा अभी उसका इलाज क्या है, कुछ नहीं कर सकते, हाँ उसको कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हाइट हो गया उसका पूरा, आपके बराबर बंच है वो, हाँ बंच का साइज आपके बराबर है, ये ऐसे मतलब ये तो बहुत ही बड़े बड़े बंच है, फोटो में नहीं लग रहे वो, लेकिन 35 किलो के मतलब 35 किलो के आगे जाएंगे वो, ऐसे बंच है। बीच कौन सा महीना ठीक रहेगा, अभी मैं चालू करना है मुझे प्लांटिंग प्लांटेशन, अभी उसके हिसाब से मैं तैयार कर रहा हूं। आपके यहां तो ये टाइमिंग चल ही रहा है प्लांटेशन का, प्लांटेशन चल रहा है, आपके यहां ज्यादा कटता है, लास्ट मंथ पूरा बारिश हुआ था तो हम लोग उतर नहीं पाए, ये मशीनरी जो भी चल रहा है मुझे ठंडी हेवी चिलिंग आती है तो ये टाइम चल ही रहा है प्लांटेशन का, तो उतना नहीं है क्योंकि वहां पे इधर टारगेट दिया गया तो वो एरिया में थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, 22-23 होगा मैक्सिमम जो है। ऐसे आपके यहाँ प्लांटेशन मुझे जहाँ तक पता है 15 दिसंबर से लेकर के 15 अप्रैल तक चलता है, वो साइज का कटिंग का समय ज्यादा है आपके यहाँ, बाकी तो 365 दिन होता है पानी अगर है तो, फिर कभी भी करो पूरे फार्म प्लान भी बना चुका हूँ,
अभी इस बारिश से पूरा भर गया, 12 फीट डीप है और पूरा एकड़ का बड़ा बनाया है। पूरी इंडिया में अभी घूम रहे हो, जो नए कुछ एनपीसी बने हैं जो अगर अच्छा काम कर रहे हो आपके हिसाब से, उनसे मिलना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, ऐसे कुछ रेफरेंस है तो हमें आपको मिलना है। हाँ, तो सह्याद्री ग्रुप से मिलो ना। सह्याद्री से क्या है, सह्याद्री से तो पहली विजिट आदर्श एक वही है, बाकी तो सब स्टार्टअप ले रहे हैं। 99% एपीसी पेपर पे हैं, काम करके किसी ने दिखाया नहीं है। और सह्याद्री में जो सिंधे जी हैं वो उनका डेडिकेशन था मुझे काम ही करना है, तो वो साइज दिख भी रहा है उनसे। अभी तो समझो रियल हीरो दो है हमारे लिए, समझो विराट शिंदे सर जी है और आप भी है, खाली दोनों समझो। पहले सह्याद्री की विजिट हुई और ये सेकंड आपके है, तो के लिए सब बताया हमने 70-30 का उनको, तो बोले कितने के लिए आज ऐसा हुआ है, भगवान मिले या क्या क्या कुछ हमारे जैसा आदमी ऊपर झाड़ पे चढ़ गया ना, कोई उतरेगा नहीं झाड़ पे मतलब ऐसा हो रहा है मुझे फीलिंग ऐसे आ रही है, भगवान मिलेगा क्या क्या पूछे बात। ये सही ऐसा नहीं है कि दो दिन में हमने वीडियो देखा बात क्या है, मैंने आज तक आपको और आपको वीडियो में ही देखा है, वीडियो में ही देखा है। कभी कभी तो सोचे कि भाई यहाँ पे मिल जाए वहाँ पे मिल जाए, लेकिन या तो आपकी टाइमिंग बनती है या तो हमारी टाइमिंग बनती नहीं थी। लेकिन इस बार मैं सोच के ही निकला था, क्योंकि मेरे लिए एक ध्यान देने वाली बात ये थी कि भाई किसान अपना खुद का बोर्ड तय करने की इच्छा रख रहे, तो मैं वहां पे जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मुझे ये भी एक्सपेक्ट नहीं था कि आप आओगे। आपका वो दूसरा रिप्लाई वाला वीडियो मैंने देखा कि भाई आप सभी किसानों को आह्वान कर रहे कि भाई आइए आप, मेरे को तब तक भी पता नहीं था कि आप वहां होंगे। लेकिन जब सुबह मैंने मैं रुकने वाला नहीं था, मेरा कल ही जाने का था चंडीगढ़। लेकिन अब हुआ क्या है कि किसानों ने एक दो मैसेज डाले और उसमें माहौल बना, फिर अब न तो किसी के पास मुद्दा है न किसी के पास बात करने की जगह है, तो इकट्ठे हो रहे तो बात करेंगे क्या और चलाएगा कौन। कल भी मैंने इनको बोला कि मेरा चंडीगढ़ जाना इमरजेंसी है, आप लोग ये विषय में बात करो, लगे तो मुझे वीडियो कॉल पे रखो। लेकिन अब वो इतनी संख्या थी कि वो भी परेशान हो रहे थे, भैया आपको रुकना पड़ेगा वरना इनको आगे चर्चा कौन करेगा। नहीं, लेकिन आज का माहौल देखा भैया, अगर आप नहीं होते तो मैं 100% बिखर जाता, नहीं चला सकता था कोई, क्योंकि क्या है स्टेप बाय स्टेप एक एक मुद्दा लेकर आगे चलना, ये सबसे बड़ी बात है। और वो आप थे इसलिए ठीक थे, शायद बादल भाई होते या दूसरा कोई होता ना तो इधर उधर हो जाता सब। कल शाम तक हमने बादल भाई को तैयार किया था, बाइक आपको ले जाए, सुबह मुझे देख करके वो आउट हो गए। कल जब हम निकल रहे थे तो मेरा छोटे भाई ने पूछा कहाँ पे जा रहे, कैसे कौन मिलने वाला, भाई बोला हमारे गुरुजी मिलने वाले हैं, गुरुजी को मिलने जा रहे हैं। गुरुजी यार ये पद नहीं चाहिए भाई। अरे एक मैसेज तो चली गई आज, थोड़ा सा मैसेज तो गया है, चोपड़ा से बाइक से आए हैं जल्दी नहीं है। ओहो आज उनको सुबह निकलना फिर? नहीं नहीं अभी नहीं। अरे नहीं क्या 150 किलोमीटर है, 3 घंटे लगेंगे जाने में। नहीं नहीं स्टे मेरा शिरपुर में, मतलब मैं रहने के लिए शिरपुर में, 100 किलोमीटर है, तो कोई बात नहीं। हाँ। कोई बात नहीं, इतना तो आदत बाइक है इसलिए आदत हो गई है भैया। अच्छा बहुत बाइक से घूमते बहुत क्यों ना, नहीं घर जाके तो कुछ करना नहीं, फिर भी क्योंकि क्या है फिर सुबह भाभी का आग्रह रहता है जल्दी आने का। नहीं वैसा वैसा नहीं, वैसा कुछ नहीं है, सुबह का शेड्यूल है, सुबह का मतलब गन्ना भी है मेरा तो काटने, वो बार बार काटने के लिए। नहीं नहीं शुगर मिल वाले वो चोपड़ा शुगर मिल चालू हुई है ना, तो वो काटने के लिए कल आने वाली है। तो फिर मैं इतना भागता दौड़ता हूँ, मतलब एक महीने में 12,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है, मिनिमम 8,000 चलती है, है ना। लेकिन मम्मी और मेरे पार्टनर जो अलका है वो यही कहती है, मतलब जाना ना है तुमको ऐसा, तो चलना ही चलना है, तो ना पहुंचना ना है, तो मैं फिर जवाब नहीं दे पाता। मुझे पता है कि मैं अगर किसानों के लिए कुछ आधा 1% कर पाया
बस इतनी ही मनसा है, उस दिशा में कुछ सीख लिया है तो बांट रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका जवाब मैं दे नहीं पाता, जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। ओशो का ये कोट है, भागोगे तो पहुंचोगे नहीं, रुकोगे तो पहुंचोगे। रुकना पड़ेगा उसके लिए। ये आपके साथ फोटो लेने हैं? हाँ, निकाल लो। नहीं तो किसी सिंह साहब को दे दो, ये निकाल लेंगे। अच्छा, ये मेरे को आप वहीं पर बैठो, मैं इधर आता हूँ। उसको स्विच कर दो ना, बंद कर दो उसको।